हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो एलिम्को की तरफ से निकल कर आ रही है, विदाउट गेट है। कोई भी एप्लीकेशन फिर नहीं रहा गया है, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं रहा गया है, डायरेक्ट ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। इसमें आप लोग को सैलरी 60,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल इंट्यूशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, यही इसका ऑफिशियल इंट्यूशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से निकल कर आ रही है, जो एक मिनी रत्न PSU है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पर फर्स्ट पोस्ट है जूनियर मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैकेनिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल डिसिप्लिन में से 4 साल का BBTEC किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए आपके BBTEC में मिनिमम 55% मार्क्स होनी चाहिए। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग किसी भी डिसिप्लिन में से 4 साल का BBTEC करने के बाद MBA किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग 4 साल का BBTEC करने के बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन में से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए हो तो भी इसके एलिजिबल हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए आपके BBTEC, MBA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या तो डिग्री पे मिनिमम 55% मार्क्स होनी चाहिए। और उसके साथ मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग किसी भी डिसिप्लिन में से 4 साल का BBTEC करने के बाद फायर एंड सेफ्टी डिसिप्लिन में से 1 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है डेटा एनालिस्ट और साइंटिस्ट के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से 4 साल का BBTEC या तो BSc+MCA किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है ऑफिसर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैकेनिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल डिसिप्लिन में से 4 साल का BBTEC किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए आपके BBTEC में मिनिमम 55% मार्क्स होनी चाहिए। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है ऑफिसर सिविल वालों के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का BBTEC किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए आपके BBTEC में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है सर्विस असिस्टेंट जनरल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए गेट स्कोर की कोई भी रिक्वायरमेंट यहीं पर नहीं है, सो अगर आप लोग गेट क्वालिफाइड नहीं हो तब भी आप लोग इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोगों का जॉब लोकेशन कानपुर और फरीदाबाद पे रहेगी। सैलरी और एज लिमिट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए आप लोगों को सैलरी 60,000 पर मंथ मिल जाएगी। जूनियर मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को सैलरी 60,000 पर मंथ मिल जाएगी। फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आप लोगों को सैलरी 45,000 पर मंथ मिल जाएगी। डेटा एनालिस्ट और साइंटिस्ट पोस्ट के लिए आप लोगों को सैलरी 50,000 पर मंथ मिल जाएगी। ऑफिसर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैकेनिकल के लिए 45,000, ऑफिसर सिविल के लिए 45,000 और सर्विस असिस्टेंट जनरल के लिए 30,000 पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। जूनियर मैनेजर, फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफिसर और डेटा एनालिस्ट और साइंटिस्ट पोस्ट में अप्लाई करने के लिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स का रहा गया है। ऑफिसर और सर्विस असिस्टेंट पोस्ट में अप्लाई करने के लिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स का रहा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग SC ST OBC PWD और EWS कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे आप लोगों को मैक्सिमम 3 साल के लिए हायर किया जाएगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसका एक ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म है जिसको अच्छे से फिल करना है,
और फिल करने के बाद उसके साथ आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का जो भी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके अलावा आपका क्लास 10 का जो सर्टिफिकेट है उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके अलावा अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और उसके साथ आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोगों को उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक एनवेलप बनानी पड़ेगी और उस एनवेलप के ऊपर आप लोग को मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप लोग जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका नेम और उसके साथ एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये मेंशन करने के बाद आप लोग उस एनवेलप को इसका जो ऑफिशियल एड्रेस है मेंशन है आप लोग उसी एड्रेस पे 13th मार्च 2023 से पहले स्पीड पोस्ट या तो रजिस्टर्ड पोस्ट या तो कुरियर के थ्रू पे सेंड करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोगों का ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। अगर आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। ऑनलाइन इंटरव्यू का डेट टाइमिंग और लिंक आप लोगों को ईमेल के थ्रू पे सेंड कर दिया जाएगा। हर एक पोस्ट में अप्लाई करने के लिए कंप्यूटर पर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर आप लोगों का सिलेक्शन यहीं पे हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद जॉइनिंग से पहले फर्स्ट आप लोगों का प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, हर एक कैटेगरी के लिए फॉर्म कम्प्लीटली फ्री है। तो फ्रेंड्स यही इसका टाइटल्स नोटिफिकेशन, नेक्स्ट में आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म दिखाया था। तो फ्रेंड्स यही इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग देख पा रहे हो, जिसमें फर्स्ट आप लोग को एक रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहीं पर टच करना होगा। उसके बाद आप लोग जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका नेम आप लोग को यहीं पे फिल करना है। उसके साथ आपको आपका कैटेगरी यहीं पे फिल करना होगा। नेक्स्ट आपको आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का डिटेल्स यहीं पे फिल करना है। उसके साथ आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी यहीं पे फिल करना होगा। नेक्स्ट आपको आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस का जो भी डिटेल्स है वो आप लोग को यहीं पे फिल करना है। और ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छे से फिल करने के बाद इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स में डिस्कस किया हो ये सब डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोग को इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक एनवेलप बना के इसका जो ऑफिशियल एड्रेस में मेंशन है आप लोग को उसी एड्रेस पे 13th मार्च 2023 से पहले स्पीड पोस्ट या तो रजिस्टर्ड पोस्ट या तो कुरियर के थ्रू पे सेंड करना होगा। तो फ्रेंड्स यही इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना था। आने वाले वीडियो पे मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें ही मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।